दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। इस वीडियो को आपको सबसे ज़्यादा शेयर करना है। तो वेल हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेक पोस्ट। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो होने वाले, तो वीडियो में इन तक बने। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के बारे में। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरी इंटर वॉच करते ना। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में, तो सबसे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को कर लिए सब्सक्राइब, ताकि आपको वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आप देखते होंगे अदर यूट्यूबर को, तो वहाँ पर सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, आप भी यूज करते होंगे, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो आपको सोशल मीडिया यूज करनी चाहिए, लेकिन अपने मुताबिक यूज करनी चाहिए, जो जिससे कि आपको नॉलेज मिल सके। जो भी आप उस पर काम करते हो, जैसे अपनी फोटो अपलोड करते हो, कुछ भी करते हो ए टू जेड सोशल मीडिया पे, तो वो आपको सबसे ज़्यादा बेकार काम होता है। जो कि आप देखते हो कि आपकी फोटोज पे 100 लाइक्स आती हैं, 200 लाइक्स आती हैं, 300 लाइक्स आती हैं, 400 लाइक्स आती हैं, इस तरह के जितनी भी लाइक्स आते हैं, तो लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं कि हमारी फोटोज पे इतनी कम लाइक्स आती हैं, इतनी ज़्यादा लाइक्स आती हैं। तो लोग दोस्तों इतने ज़्यादा लोग जो हैं, तो इस पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं कि क्या क्या होता है सोशल मीडिया पर, क्या क्या कर रहे हैं, तो उन पर ज़्यादा लोग ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। वो देखते हैं कि हमारी फोटोज पर कितनी लाइक्स आ रहे हैं, कितने क्या आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, कितने लोगों ने शेयर किया है। तो आपको उन पर ध्यान ना देकर कि आप जितने भी आपके फ्रेंड होते हैं, तो वो आपको आपकी फोटो की वजह से लाइक करते हैं, ना कि आपको पसंद करते हैं। वो आपके फ्रेंड नहीं होते हैं, लेकिन वो आपकी फोटो को देखकर लाइक करते हैं। आपको कभी मुसीबत पड़ेगी तो वो आपकी मदद नहीं करेंगे, चाहे जब भी आप देख लीजिए, वो सिर्फ आपकी कमेंट बॉक्स में ही लिख देंगे, नाइस लिख देंगे, गुड जॉब लिख देंगे, इस तरह के जो कमेंट होते हैं वो लिख देते हैं, लेकिन वो सिर्फ ऐसे ही लिख देते हैं कि आपको खुश करने के लिए। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता जो कि वो करते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आती हैं। तो दोस्तों आप इनको यूज क्या के, लेकिन मुझे मतलब घर के लिए बस यूज क्या के, जिससे कि आपको जितने भी अदर जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर हैं, आपके आस पड़ोस वाले हैं, तो जो आपकी फोटो को लाइक करते हैं, आपकी मुसीबत पड़ने पर कभी वो काम नहीं आएंगे। आपको ऐसा किसी पर टच नहीं कर लेना है कि जो कि फेसबुक फ्रेंड हो, ग्रुप पर हो, तो उन पर आप बिल्कुल डिपेंड हो जाओ कि आप ये हमारा फ्रेंड ये हमसे हमको कर देगा। तो आपको इस तरीके से सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जो कि आपको सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ें होती हैं। जो लोग बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ग्रुप पर देखते हैं कि लड़कियां हैं, तो लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं। वो लड़कियां नहीं होती, बेसिकली होते लड़के हैं जो अकाउंट पर अपनी फ़ोटो लड़कियों की लगा देते हैं, तो उन पर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग होते हैं उन पर टेस्ट कर लेते हैं। तो उनको आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिए कि ये क्या कर रहे हैं, क्या क्या मैसेज हो रहा है। तो आपको ग्रुप पर इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। आप देखते हो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, जितनी भी सोशल मीडिया है, तो वो सिर्फ आपको अपने मुताबिक यूज करने चाहिए, अपने काम भर के लिए भी। आपने देखा होगा कि ओमेगल ऐप पर जो कि आप जिनसे आपने कभी ना बात की होगी, ना आप उनके जानते होंगे, तो वो उनसे आप बात करते हो, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं जो कि गंदे कंटेंट प्ले कर देते हैं। वो तो आपने देखा होगा कि आप जब भी ओमेगल ऐप यूज करते होगे, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी देखने को मिलनी चाहिए, आपको देखने को मिलेंगी जो कि आप नहीं देखते होंगे, और 18+ कंटेंट होते हैं, तो जो 18+ कंटेंट होते हैं वो आपको वहाँ पर दिखाए जाते हैं। तो ओमेगल ऐप पर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको सोशल मीडिया को समझबूझकर यूज करना चाहिए, ताकि आपको भी कहीं भी फंस ना सकें। और आप सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, जो कि आप पासवर्ड जो होता है आपके सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, वो सेम कर देते हैं, या फिर अपना नंबर डाल देते हैं, या फिर अपना नाम डाल देते हैं। जो हैकर लोग होते हैं वो आपको बहुत ही जल्दी ट्रेस कर सकते हैं, आपके अकाउंट को हैक कर सकते हैं, आपके फॉलोवर्स को कम कर सकते हैं, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इन सभी चीज़ों को जानकर अच्छा लगा। तो आपको सोशल मीडिया को अपने मन मुताबिक ही यूज़ करना चाहिए, अपने काम भर के लिए बस यूज़ करना चाहिए। तो आपको उन पर लाइक्स वगैरह, कमेंट वगैरह कुछ भी नहीं देखना चाहिए। अगर आप उन पर पीछे पड़ते हो, तो आपको उससे खतरा हो सकता है। तो लेकिन आप जितने भी आपके फ्रेंड्स होते हैं, लाइक्स करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उन पर आपको ना ध्यान देकर आपको अपने आप जो भी काम करते हो उन पर ध्यान देना चाहिए। आपको फोटो सोशल मीडिया पे जो अपलोड करते हो उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने शेयर आ रहे हैं, कितने कमेंट आ रहे हैं, तो उन पर बिल्कुल भी। और जितने लोग आपकी फोटो को लाइक करते हैं वो जेन्युइन नहीं होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ऐसे ही लाइक कर देते हैं आपको, आपकी फोटो को देखकर वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, आपके फ्रेंड नहीं होते, सिर्फ आपको वो सोशल मीडिया के फ्रेंड होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो करना लाइक, साथ में चैनल को करना सब्सक्राइब, ताकि आपको वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन इसी तरह की आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।